नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, वायदा बाजार के अंदर किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे कैसा सीड से। तो कैसा सीड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीड पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा सीड एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। कैसा सीड का दिसंबर वायदा हमने बीते सत्र में 6600 पर कारोबार करते हुए देखा था, 6700 का ऊपर का हाई भी लगा था, लेकिन फिर वहां से देख रहे मुनाफा वसूली बनी और 6500 के लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे सीड में ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी है कितना और समय तक जारी रह सकती है और अगले जो हायर लेवल्स है वो कब तक देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, मेरा मानना है कि कुछ और समय ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रहेगी। जिस तरह से हमने इसके पहले ग्वार सीड में भी काफी समय तक एक रेंज बाउंड या दायरे में कारोबार देखा था, लेकिन इवेंचुअली जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ निकले थे। उसी तरह कुछ और समय यानी और एक दो हफ्ते में मेरे हिसाब से 6200 से 6600 का एक दायरा बना रहेगा, लेकिन इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि 7000 से 7100 तक के स्तर में कैश सीड में देखने मिल सकते हैं। तो पोजिशनल जो व्यू है वो अपनी तेजी का है और मैं जितनी भी डिप्स आती है उसमें मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। जी, तो यानी कि कैश सीड की कीमतों में ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी वाला जो रुझान है ये कुछ अभी कुछ समय तक और जारी रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली कैसे भी कीमतों में 7000 से लेकर 7100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। ये सब जी नजर डालें अगर बिनौला खल की कीमतों के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है ये जो 2500 का जो एक सीमित दायरा है ये कब तक और जारी रहेगा और 2600 तक के लेवल्स कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बड़े तौर पे मुझे लगता है कि 2450 और 2700 का जो रेंज है ये करीबन 1 से 1.5 महीना और चल सकता है। जी, क्योंकि 2700 का लेवल काफी महत्वपूर्ण था जब तेजी में था बाजार और उसके नीचे फिसलता ही एक दायरे में चला गया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म यानी एक हफ्ते की बात करें तो 2500 से 2580 का एक दायरा रहेगा, तो वहां पर भी निश्चित तौर पर हमें बाइंग देखने मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम 2580 के करीब हमें सेलिंग देखने मिल सकती है। मुझे लगता है कि 4 से 5 सेशन और ये दायरा जो है बना रहता है। जी, ये समय जी बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में हमने देने की कीमतों में कुछ नरमी आते हुए देखी है, हालांकि अभी भी 8000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। ये सब बात करें जीरे की, तो जीरे में भी कल के मुकाबले आज कुछ करेक्शन जारी है, लेकिन हल्दी में देखा है हमने, हल्दी 7700 का लेवल्स दिखना में कामयाब हुई थी। आपका जो लेवल था 7700 का वो अचीव होता हुआ नजर आया हल्दी का, और हमने जो जीरा है उसको भी 15800 के करीब कारोबार करते हुए देखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है मसालों में आगे और कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी और आगे क्या लेवल्स रहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि धनिया में हमें एक प्रॉमिसिंग फीचर देखने मिल सकता है जहाँ पर प्राइसेज जो है वो और ऊंचाइयां छू सकती है। फिलहाल एक दायरे में कारोबार है, मुझे लगता है कि 8800 के स्तर हमें एक महीने के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो जो निवेशक है वो 5 से 6% की तेजी के लिए अभी बाइंग करके चल सकते हैं। साथ ही हल्दी में भी मुझे लगता है 7700 का जो लेवल है वो पार हो चुका है, लेकिन 8050 का एक नेक्स्ट लेवल है जो पोजिशनल बेसिस का हमें देखने मिलेगा, तो वो एक तेजी का रुझान दोनों ही काउंटर्स में बना रह सकता है। तो दुनिया में और हल्दी में दोनों में ही डिप पार कर रहे हैं। जी अमित जी, बात करें जीरे की, तो क्या जीरा 16000 के लेवल्स पर या उससे ज्यादा देखने को मिल पाएगा? जी, मुझे लगता है कि आगे देखने के व्यू से 16200 से 16250 के स्तर जीरे में देखने मिल सकता है। जी, ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हमने ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी तेजी आते हुए भी देखी थी। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले ग्वार गम 13000 के पार निकला था और ग्वार सीड की कीमतों में भी अच्छी खासे लेवल्स देखने को मिल रहे थे। वहीं आज देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है और दोनों में ही 4-4% का लोअर सर्किट लग चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या ये जो निचले स्तर हैं ये आगे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लिए जा सकते हैं या फिर यहाँ से ये जो प्रॉफिट बुकिंग है और एक्सटेंड होंगी? जी देखिए, दोनों ही बातें हैं। पहले ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ये 2 सेशन और एक्सटेंड हो सकती है, जहाँ हमें 6300 तक के भी स्तर देखने मिलेंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 2.5 से 3% और हमें ग्वार सीड में देखने मिलेगा।
लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि 5000 से 5300 के स्तर निकलने के बाद हमने कोई भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी थी, तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमें देखने मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि निश्चित स्तरों पर दोबारा बाइंग एमर्ज होते हुए हमें 7000 तक के लेवल दोबारा देखने मिलेंगे। जी ये समय जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लगता है, स्पेशली सोयाबीन के अंदर? जी आई थिंक सोयाबीन में 5200 से 5300 के बीच हमने काफी सपोर्ट लेते हुए देखा है बाजार से, और आज के दिन में खास करके 2 फीसदी के ऊपर का एक रैली हमने देखी है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता और यानी 4 से 5 सेशन और ये जो रैली है ये एक्सटेंड होगी और हम 5650 से 5680 तक के स्तर भी देख पाएंगे। हालांकि मुझे 5700 के ऊपर फिलहाल प्राइसेस जाती हुई नहीं दिखती, लेकिन उसके काफी करीब प्राइसेस जाएंगी, तो ये रैली जो है ये कंटिन्यू होने के आसार दिख रहे हैं। जी ये समय जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं वो थोड़े कमजोर हैं और जो वर्ल्ड कंजप्शन रेट है कॉटन का वो भी इंक्रीज ही हो रहा है लगातार, तो ऐसे में कॉटन के क्या नए हाई लेवल्स फिर से देखने को मिल पाएंगे? जी मुझे लगता है कि 35,000 के काफी करीब M6 कॉटन जा सकती है, क्योंकि आज भी सप्लाई शॉर्टेज जो है वो कमी हुई है और डिमांड स्ट्रांग है इन स्तरों पे भी, तो मुझे लगता है 35,000 के काफी करीब प्राइसेस जा सकती है M6 कॉटन। जी अमित जी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से टॉपिक्स जिनके अंदर आज और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस और में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। जी मेरे ख्याल से 6600 के करीब वॉल स्ट्रीट में शॉर्ट टर्म में दिखवाली करके चल सकते हैं, जबकि सोयाबीन में करीबन 5450 के आसपास बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में 5650 तक के टारगेट भी जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, फंडामेंटल्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।